हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट का रीडिंग। सो कैसे हैं आप सभी लोग? सो आई होप गाइस कि आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, अपनी अपनी लाइफ में एकदम पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव रह रहे होंगे, ईश्वर पर विश्वास कर रहे होंगे। तो आज की टैरो कार्ड रीडिंग में क्या चेक करने वाली हूँ मैं, आज की टैरो कार्ड रीडिंग में आपके पर्सन की करंट एनर्जी, उनकी करंट भावना, आपके लाइफ में क्या कुछ चल रहा है इस वक्त जिसके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है इस वक्त। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वालों के लिए भी रीडिंग है ये। तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो आप तो क्या होगा, आपके रिश्ते का कभी खत्म होगा आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, या क्या कुछ होगा, इस चीज को चेक करने वाली हूँ मैं। दूसरी चीज, ये रीडिंग सभी लोग देख सकते हैं, मतलब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि मैम ये रीडिंग कौन सा रिलेशनशिप वाले देख सकते हैं। तो मैं बिल्कुल क्लियर स्पष्ट तौर पर कर देना चाहती हूँ कि ये जो रीडिंग मैं कर रही हूँ जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ। सेकेंड चीज, ऑल रिलेशनशिप के लिए है, शादीशुदा है, वन साइड सिंगल मैरिड है, डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड है, लव रिलेशनशिप है, फैमिली है, फ्रेंड्स है, लाइक दैट। आप किसी के लिए भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। एनर्जीज क्या कुछ है इस चीज को देखकर मैं आपको बताऊंगी उस व्यक्ति के मन में क्या कुछ है। तो चेक कर लेती हूँ इस वक्त की ऊर्जा क्या कह रही है आपके रिश्ते को लेकर, ठीक है ना। तो देखते हैं इस वक्त की ऊर्जा क्या है आपके रिश्ते को लेकर, क्या होगा आपके रिलेशनशिप में आगे, ठीक है। इस चीज को देखेंगे, नेम ले लीजिएगा आप जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस व्यक्ति का नेम जरूर लीजिएगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या है एनर्जीज। फर्स्ट कार्ड, ओ फर्स्ट कार्ड तो यहाँ पर ये कह रहा है कोई है जो बहुत ज्यादा आपको मिस कर रहा है उसने, लेकिन आपका बहुत दिल दुखाया है। ट्विन फ्लेम एनर्जीज आ रही है, डिवाइन कनेक्शन नजर आ रहा है, सोलमेट कनेक्शन नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ कार्मिक भी नजर आ रहे हैं। अब आपका कौन सा रिश्ता है, आप किस रिलेशनशिप में है, ट्विन फ्लेम में है, सोलमेट में है, डिवाइन कनेक्शन में है, क्योंकि यहाँ पर जो आ रहा है वो बिल्कुल यहाँ पर स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि कोई कार्मिक भी है जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में इस वक्त बहुत प्रॉब्लम्स है। मे बी हो सकता है कोई थर्ड पार्टी कार्मिक रिलेशनशिप में हो, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर कार्मिक की एनर्जीज दिख रही है। कार्मिक कहीं ना कहीं कार्मिक जो रिलेशनशिप होता है वो मोस्टली वो इंसान होता है जो आपकी हर रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी कोई भी रिश्ता हो आपका, उसमें कहीं ना कहीं जो कार्मिक है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता ही करता है। या आपका अगर किसी कार्मिक से रिलेशनशिप है आपको नहीं पता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल जिस तरीके से कार्ड आया हुआ है उस तरीके से जो आपका डिवाइन कनेक्शन है जिसके साथ सोलमेट है, जो आपका यूनिवर्स की तरफ से पास्ट कनेक्शन है, उस ट्विन फ्लेम है, तो वो व्यक्ति तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि उस व्यक्ति के साथ आपकी जो जर्नी है वो जर्नी अभी बहुत आगे जानी है, बहुत आगे। और ये जर्नी ना अभी इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि आपके रिलेशनशिप की जर्नी तो बहुत है लेकिन ये जर्नी रुकी हुई है, इस जर्नी में रुकावटें आ रही हैं। और जो रुकावटें आ रही हैं वो ज़्यादातर में कार्मिक की वजह से ही आ रही होंगी, है ना। इस चीज को आप थोड़ा सा क्लियर तरीके से डिटेल्स में जानिएगा कि आपका जो रिलेशनशिप है आपके पर्सन के साथ, अगर वो, मैंने पहले भी कई बार ये चीज बताई है, अगर आपके रिश्ते में यूनिवर्स का सपोर्ट है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, या वो रिश्ता ही आपका ईश्वर की तरफ से मिलाया गया है, तो डेफिनेटली आपके रिलेशनशिप में आगे जाएगा और वो रिलेशनशिप आपका कोई भी कार्मिक खत्म नहीं कर पाएगा। लेकिन जिस तरीके से कार्ड आया हुआ है ना, आपके ये जो पर्सन है, आई होप कि आपने इनका नाम लिया होगा, ये किसी कार्मिक की वजह से अभी आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज मुझे दिखाई दे रही है इस वक्त। तो आपका अगर कोई कार्मिक रिलेशन, आपका कोई रिलेशनशिप है जो कि ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, डिवाइनली सोल है, ब्लेसिंग है, या फिर कोई कार्मिक भी हो सकता है, तो इस चीज को आपको देखना है। लेकिन जिस तरीके से कार्ड आया हुआ है, आपका सोल जो है
वो आपको बहुत ज्यादा इस वक्त मिस कर रहा है और वो आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन है। मैं थोड़ा सा क्लू इसलिए दे रही हूँ आपको ताकि आप अच्छे से ये समझ पाओ कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को एक्स्ट्रा मैरिटल पर्सन है और एज आपकी दोनों के बीच की डिफरेंस हो सकती है, जिस तरीके से दिख रहा है सेम प्लेस पर दिख रहे हो आज मुझे ज्यादातर में, है ना। सेम प्लेस रिलेशनशिप है आपका, मतलब लाइक सेम प्लेस में हो सकते हो, आसपास के किसी एरिया में रह सकते हो, सेम का सेम वर्किंग प्लेस आपका सेम हो सकता है। और ये जो कार्मिक है ना, इस कार्मिक की जो एनर्जीज आ रही है ना गाइस, वो कार्मिक की एनर्जीज देख रहे हो आप, पेज ऑफ सोर्ड्स, मतलब ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि आपका जो सोल कनेक्शन है, जो डिवाइन कनेक्शन है, वो आपकी तरफ बढ़ना चाहता है क्योंकि उसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है और शायद आप इनके साथ बहुत अच्छे से रह भी रहे थे क्योंकि पूर्व जन्म का रिश्ता भी यहाँ पर इनके साथ आपका दिख रहा है। बट कार्मिक है आपके बीच में और ये जो थर्ड पार्टी दिख रही है, अगर आपका नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन किसी तीसरे इंसान की वजह से हुआ है और कोई थर्ड पर्सन है और वो एंट्री ले चुका है या वो ऑलरेडी इन्वॉल्व है आपके रिश्ते में, आपके पर्सन की साइड से उनके घर में रहता है या फिर वो उनके साथ ही रहता है या फिर सारा दिन उनसे बात करता है, कॉन्टेक्ट करता है, तो ये पर्सन आपके जो रिलेशनशिप है ना उसमें बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, ये चीज़ दिख रही है। सेकंड चीज, आपके पर्सन अगर ये कार्मिक है तो ये आपके पर्सन को छोड़कर भी चला जाएगा क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स है ना, ये कार्ड एक ऐसी एनर्जीज के बारे में रिप्रेजेंट कर रही है जो कि बहुत बहुत कंट्रोलिंग नेचर का इंसान है, बहुत ही कंट्रोलिंग है ना, और कंट्रोलिंग नेचर की वजह से उसके आप दोनों के बीच में भी इनका कंट्रोल आ रहा है, ये चीज दिख रही है। अभी किंग ऑफ सोर्ड्स है ना ये, मतलब कहीं ना कहीं इसकी वजह से दुनिया हो रही है आप दोनों के बीच में। अब यहां पर ये जो है ये फोर ऑफ सोर्ड्स है, ये फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपके पर्सन की फीलिंग्स को, उनकी भावनाओं को रिप्रेजेंट कर रहा है और कहीं ना कहीं इस वक्त साफ तौर पर दिख रहा है कि आप अकेले हो गए हो, फीलिंग अलोन है और ये पर्सन भी आपसे दूर है, ये पर्सन भी आपसे दूर है, इनके और आपके बीच में नो कॉन्टेक्ट स्थिति है। लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कार्ड आ रहा है ना, उस कार्ड में कोई कार्मिक की वजह से आप दोनों के बीच में इश्यूज आ रहे हैं रिश्ते में, ठीक है। या तो आपके पर्सन आपकी बात को अवॉइड कर रहे होंगे, पिछले कुछ दिनों से आपको ऐसा फील हो रहा होगा कि ये तो बदल गए हैं, इनमें चेंज आ गया है, इनमें बदलाव आ गया है ना, क्योंकि कार्ड में, कार्ड को देखें तो साफ तौर पर दिख रहा है कि फीलिंग्स तो है लेकिन अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर रहे हैं और अपनी, मतलब एक होता है ना कि अपने दिल की बात बता देना, क्योंकि आपके साथ रिश्ता रहा है ना एक लंबे टाइम तक, आप लोग रहे हो ना एक साथ, तो ऐसे में है कि भाई आपने एक दूसरे को लेकर काफी ज्यादा फ्यूचर प्लानिंग, लाइक फीलिंग शेयर करना या बहुत सारी चीजें हैं आपके दोनों के बीच में, एक मेंटली फिजिकली एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में है आप, एक अच्छा रिश्ता दिख रहा है मुझे आप दोनों के बीच में और लगता है कि आपको जो ये एनर्जीज है कहीं ना कहीं कनेक्ट भी आप कर पा रहे होंगे, क्योंकि जैसे मैं कार्ड में देख रही हूँ ना कि आपके जो पास्ट है ना, यहाँ पर देखिए आप ये पास्ट है ना, अभी आप अगर सेपरेशन में हो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो ना, तो पास्ट बड़ा कलरफुल था आपका, बहुत मतलब एक अच्छी सी ऊर्जा पास्ट को देखकर महसूस हो रही है। तो मतलब आपके पर्सन जो है ना वो इस वक्त, कल भी मतलब कल रात भी ये बहुत ज्यादा आप ही के बारे में सोचते रहे, कल पूरी रात मतलब जग कर ही गुजारी है और आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे कि एंजल ने जो एक कार्ड दिया है इसमें यहाँ पर यही है कि ये जाग कर पूरी रात गुजारते हैं, और क्योंकि नींद इसलिए नहीं आती है इनको या नींद नहीं आ रही है इसलिए क्योंकि इनकी फीलिंग्स में आपके लिए लव दिख रहा है, इमोशंस दिख रहे हैं, केयरिंग दिख रही है, ठीक है ना। बट यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो मतलब जिनका जिनका काम ही यही है कि वो मिसगाइड करना या आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना जिससे कि आपका कांटेक्ट ना हो पाए, तो यहाँ पर ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है।
और पास्ट में मतलब यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि फाइनेंशियल भी शायद आपने बहुत हेल्प किया है, इनको सपोर्ट किया है फाइनेंशियल। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर बन बन रही है जो कि मतलब कहीं ना कहीं आप दोनों के एक अच्छे रिलेशनशिप की तरफ मुझे यहाँ पर लेकर जा रही है कि हाँ एक अच्छा रिलेशनशिप है। और यकीन मानिए अगर आप डिवाइन कनेक्शन में हैं तो आपकी जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है। आपको लग रहा है ऐसा कि नो कॉन्टेक्ट स्थिति है, आप रिलेशनशिप खत्म हो गया, लेकिन अगर जर्नी है तो आप ये समझ लो कि कैसे भी होगा लेकिन आपका कांटेक्ट होगा और आपके दोनों के बीच में एक अच्छा रिश्ता भी आगे तक जाएगा। हाँ अगर कार्मिक रिलेशनशिप है आपका तो फिर तो कहीं ना कहीं कार्मिक रिलेशनशिप तो कुछ कर्मा के आधार पर होता है, तो ये चीजें हैं। ठीक है, अभी थर्ड पार्टी कार्मिक दिख रही है मुझे, अभी तो थर्ड पर्सन ही कार्मिक दिख रहा है और ये थर्ड पर्सन बहुत क्लेवर भी दिख रहा है। फैमिली से रिलेटेड हो सकता है कि फैमिली में कोई बर्डन बहुत हो या फैमिली वालों की वजह से कुछ चीजें ऐसी हैं जो वो आपके साथ अपना शेयर नहीं कर पा रहे, उनकी फीलिंग्स है ऐसी, तो यहाँ पर ये चीज दिख रही है। ठीक है ना, अब यहाँ पर सिक्स ऑफ सोर्ड्स दिख रहा है, यहाँ पर सिक्स ऑफ वैंड्स दिख रहा है, सॉरी सिक्स ऑफ वैंड्स। ठीक है ना, तो सिक्स ऑफ वैंड्स ज्यादातर में मैं यही बोलूंगी कि सिक्स ऑफ वैंड्स की एनर्जीज के हिसाब से देखा जाए तो इनके साथ आपका जो रिश्ता है वो आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। आप देख रहे होंगे कि एक पर्सन हॉर्स पर सवार है और वो बहुत ही हैप्पीनेस की एनर्जीज में है और बहुत एक अच्छी एनर्जीज में है। मतलब आप इस कार्ड को देखो तो आपको एक तरीके से एंजल का एक संदेश देखने को मिलेगा। ठीक है, एक एंजल आपको इस समय संदेश दे रही है कि तुमने जिसके साथ कांटेक्ट किया है, तुम जिसकी तरफ सोच रहे हो या जो जिसके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो बहुत लंबे टाइम से, वो बस तुम्हारी लाइफ में प्रवेश करने ही वाला है, वो तुम्हारी लाइफ में वापस आने ही वाला है अगर नो कांटेक्ट में हो, है ना। तो ये एंजल साइन है, एक तरीके से एंजल का ब्लेसिंग है आपके लिए, आपके रिश्ते को लेकर एक अच्छी ऊर्जा है ना। ऊर्जा दो प्रकार की होती है, नकारात्मक और सकारात्मक। अब अगर कार्मिक है तो नकारात्मक ऊर्जा, अगर पूर्व जन्म का कोई रिश्ता है, कोई सोल में है, कोई ट्विन में है, तो उसके साथ जर्नी अवश्य होगी। आप उस जर्नी को भले ही आपके मन में हो विचार कि मेरी जर्नी तो पता नहीं कितनी है, मेरे यहाँ तो रोज लड़ाई होती है, ऑन ऑफ सिचुएशन होता है, हम तो सेपरेशन में, इफ अगर आप ये सोचते हो, बट अगर आपका कनेक्शन डिवाइन ले तो आप ये समझ लीजिएगा कि कार्मिक की वजह से ये सिचुएशन हो रही है, लेकिन आपकी जर्नी अगर है, ईश्वर ने लिखी है, आपका साथ लिखा है, सकारात्मकता आपकी लाइफ में आनी है तो वो आनी है। ठीक है ना, आपकी लाइफ में अगर सकारात्मकता आनी है, पॉजिटिविटी आनी है तो वो आनी है, उसे फिर कोई रोक नहीं पाएगा। आपका मिलन होना है, यूनिवर्स का सपोर्ट है, ईश्वर का साथ है, तो फिर वो है। ठीक है ना, तो ये चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो जर्नी अभी आपकी कितनी है इस चीज को थोड़ा सा, क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है तो मैं जितना मुझे दिख रहा है मैं बिल्कुल बता रही हूँ उस चीज को, लेकिन हर इंसान की खुद की भी एक अपनी एनर्जीज होती है, वो एनर्जीज हम बहुत ही ज्यादा डिटेल में देखकर ही आपको ये चीज को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपके साथ रीडिंग रेजोनेट हो रही है, रीडिंग मैच हो रही है, और अगर आप रीडिंग में सुन रहे हो कि हाँ आपकी जर्नी है, आपका पर्सन आपको मिस कर रहा है, देन उसके बाद भी अगर वो आपको कॉल या मैसेज नहीं कर रहा है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो फिर आपको अवश्य एक बार अपनी प्रेडिक्शन जो है वो लेनी चाहिए, एक बार ही अपनी खुद की एनर्जीज को चेक जरूर कराना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि आपकी कार्मिक एनर्जीज हो या कोई कार्मिक आपके बीच में हो जिसने आपकी जर्नी को रोक रखा हो, तो ये सिचुएशन भी है। तो इसके लिए आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9540119650, व्हाट्सअप पर मैसेज कीजिएगा प्लीज, कृपया कोई कॉल ना करें, कॉल पर बात अपॉइंटमेंट के बाद होगी, अपॉइंटमेंट बुक होने के बाद होगी। तो यहाँ पर कोई विशेष इच्छा है अगर शादी को लेकर या कोई रियूनियन को लेकर कोई विशेष इच्छा है, तो वो इच्छा अगर आप डिवाइन में हो, डिवाइन कनेक्शन में हो, तो वो इच्छा जरूर पूरी होगी। ठीक है ना, द स्टार का कार्ड क्यों आया है यहाँ पर, ये कार्ड हमें एंजल ने क्यों दिया है, अचानक से क्यों दिया है, क्योंकि एंजल आपको ये बताना चाह रही है, ये संदेश देना चाह रही है कि अभी आप इस एनर्जीज में हो, ये जो एनर्जीज आ रही है ये टर्न ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज आ रही है इस वक्त, और ये टर्न ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज यहाँ पर ये कह रही है कि आप भी जैसे आपके पर्सन है ना, रात रात भर जागते रहते हैं और आपके बारे में सोचते रहते हैं, कहीं ना कहीं एंजल गाइड कर रही है कि आप भी सेम इसी एनर्जीज में हो, आप भी अपने पर्सन के बारे में सोचते रहते हो, रात रात भर जागते रहते हो, नींद नहीं आती है,
अचानक से सेपरेशन हो गया, अचानक से उन्होंने ब्लॉक कर दिया। अगर आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो जिसमें आप लोग कम ही मिले हो, ज्यादा नहीं मिले हो, या फिर कभी भी नहीं मिले हो, ऐसी एनर्जीज में हो, तो मैं आपके पर्सन की जो स्थिति को देख रही हूँ वो स्थिति मुझे यहाँ पर उनकी दिल में आपके लिए फीलिंग्स दिख रही है। लेकिन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाली एनर्जीज में अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में यदि हैं, तो मैं आपको बोलूंगी कि ये जो कार्ड आया हुआ है ये कार्ड आपके लिए है द स्टार का, जो कि आपको ये कह रहा है कि भाई तुम्हारा नो कांटेक्ट तो है लेकिन ये नो कांटेक्ट सिचुएशन जल्दी खत्म हो जाएगा अगर आप किसी अच्छे एनर्जीज में हो, डिवाइनली हो। बस कार्मिक नहीं होना चाहिए, डिवाइन होना चाहिए। डिवाइन में सोल हो, ट्विन फ्लेम हो, या फिर कोई भी डिवाइन कनेक्शन, बहुत प्रकार के डिवाइन कनेक्शन होते हैं। और इसी तरीके से अगर आपका डिवाइन कनेक्शन है तो आप बड़ी आसानी से उसे पहचान भी सकते हो। एक तो सबसे बड़ी चीज होती है डिवाइन कनेक्शन में, सबसे बड़ी चीज जो मतलब मेरे सालों के एक्सपीरियंस में सबसे ज्यादा उस चीज को देखा है, इस पर स्टडी की है। एक तो आप दोनों को एक दूसरे की परवाह होगी, सबसे पहली चीज। सेकेंड चीज, आपको ऐसा लगेगा उस इंसान से बात करते समय, या आप उसको बात सुनोगे या उसको देखोगे, तो आपके अंदर में एक अजीब सी ये चीज महसूस होगी सबसे पहले कि ये पहली बार तो मिला ही नहीं है, इसके साथ तो मेरी बहुत बात हुई है, इसके साथ तो मेरा कुछ तो है। मतलब आप ना उस इंसान के साथ एक कुछ जुड़ाव महसूस करोगे। ब्रह्मांड की शक्तियां जो होती हैं, ब्रह्मांड के जो रिश्ते होते हैं, वो रिश्तों में एक अलग सा कनेक्शन होता है, एक अलग सी फीलिंग्स होती है, उसमें एक मैग्नेटिक पावर होती है, ठीक है ना। उसमें आपको ऐसा महसूस होगा कि इससे तो मेरी कभी जरूर बात हुई है, इस इंसान से ये तो मेरा पहली बार, मैंने इससे बात की ही नहीं है। मतलब एक जुड़ाव सा महसूस होगा और वो चीज बताई नहीं जा सकती, वो सिर्फ चीज महसूस की जा सकती है। सेकंड चीज, आपकी और उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत होगी, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। जैसे आप होगे सेम वैसे ही वो होगा। और एक चीज बताऊं, जो आप कुछ सोचोगे, जो भी चीज सोचोगे वो चीज उससे भी महसूस होगी। अगर वो आपको मिस कर रहा होगा तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई आज आपको वो इंसान मिस कर रहा है। वो आपके बारे में जैसा सोचेगा आप उसके बारे में सेम वैसे ही सोचोगे। दूसरी चीज, आपको अगर वो कनेक्शन आपसे दूर है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये कनेक्शन आपसे दूर है, तो वो कनेक्शन आपके बारे में उस समय एंजल आपको बताने लगेंगी, एंजल आपको साइन देने लगेंगी, आपको खुद महसूस होने लगेगा। अगर वो आपको याद कर रहा होगा तो उसका नेम दिखना, उसका फेस दिखना, वो आपके बारे में कोई बात कर रहा होगा तो अचानक से कोई और आपके सामने आएगा और उसका फेस में आपको उसका फेस दिखाई देने लगेगा, उसका नेम दिखाई देने लगेगा, उससे जुड़ी कुछ बात ऐसी आ जाएगी आपके सामने सडन, जिसमें आपको लगेगा कि एंजल हमें कुछ कहना चाह रही है, ठीक है ना। तो ये एक नहीं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे आप आसानी से पता लगा सकते हो कि हाँ यही तो एक डिवाइन की तरफ से भेजा हुआ इंसान है। कुछ चीज हमारी रह गई थी अधूरी, जिसमें हमारा कर्मा जुड़ा था, हमारी जर्नी लिखी हुई है, हमें साथ रहना है, हम एक दूसरे के लिए बने हैं, इसीलिए एक दूसरे की हम केयर करते हैं और एक दूसरे के बारे में इतना सोचते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज यहाँ पर दिख रही है। और वही कार्मिक इसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट, कार्मिक के साथ कभी बनती ही नहीं है, पहली चीज तो ये होती है। तो और भी बहुत सारी चीजें होती है, खैर ये तो मतलब एनर्जीज है और आपके साथ कितना मैच करती है ये चीज खुद को ही देखना पड़ता है, ठीक है ना, कि आपके साथ कितना रेजोनेट कर रही है। हाँ, लेकिन इतना बोलूंगी कि अगर रीडिंग रेजोनेट कर रही है देन उसके बाद भी अगर रियूनियन नहीं हो रहा है तो फिर आपको आवश्यकता है एक बार उसको डिटेल्स में चेक करवाने की। खैर ये तो रही कुछ चीजें जो मैंने आपको बताई शेयर की, कितना आपके साथ कनेक्ट होती है ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करिए। मैं कमेंट सेक्शन के हर कमेंट को पढ़ती हूँ। हाँ, मैं बहुत कम कमेंट्स का रिप्लाई कर पाती हूँ, ज्यादातर मैं उन कमेंट्स का रिप्लाई कर देती हूँ या मैं बोल देती हूँ जिनके रियूनियन होते हैं। अभी आज सुबह ही 4 से 5 लोगों के रियूनियन हुए हैं, मतलब कल रात में हो गए थे रियूनियन, लेकिन फोन मेरे पास सुबह आया है। मेरे वो पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के व्यूवर्स थे, क्लाइंट्स थे जिनके रियूनियन हुए हैं। खैर कॉन्ग्रेचुलेशन मैंने उसी समय बोल दिया था, वंस अगेन बात चली है तो बोल देती हूँ कॉन्ग्रेचुलेशन। तो यहाँ पर ये एनर्जीज है। तो अब राशियों की बात आ जाती है, राशियां देख लेते हैं, ठीक है। तो जर्नी भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जर्नी आकर है कितनी, कितने साल की जर्नी, कितने मंथ की जर्नी है, कि जीवन भर की जर्नी है,
है ना, कितनी जर्नी, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक रिलेशनशिप में। ठीक है, जिसको आप चाहते हो अपनी लाइफ में आना, कि हाँ आपके लाइफ में इंसान आए, रहे, बना रहे, है ना, तो वो उसके बारे में डिटेल्स बहुत जरूरी है पता, कि हाँ कितना क्या है इसके साथ कनेक्शन। तो अभी सेपरेशन में हो, तो सेपरेशन में यूनिवर्स आपको मुझे बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कि आप सेपरेशन में हो और इस वक्त काफी चिंताएं लगी हैं आपको अपने रिश्ते में। काफी सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें आपको समझ नहीं आ रहा, कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही है और बहुत ही ज्यादा माइंड डिस्टर्ब हो रहा है। तो प्लीज पॉजिटिव हो जाएं, लाइफ में पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है ताकि आपको क्लैरिटी मिले। ठीक है, और यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगे, यूनिवर्स आपका पूरा साथ दे रहे हैं। यहाँ पर माता रानी का आशीर्वाद है, ईश्वर का साथ है आपके साथ, विदा स्टार का कार्ड भी है, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जीज दिखाई दे रही है ना गाइस, उसमें लग रहा है देखकर कि आप जैसे मतलब पिछले काफी टाइम से अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा तनाव में हो, तनाव की स्थितियां हैं। एक तो ना मतलब सेपरेशन में हो, सेकंड चीज थर्ड पर्सन है जो कि मतलब आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है ना, तो कहीं ना कहीं मैरिज को भी लेकर प्रॉब्लम्स ज्यादा चल रही है, शादीशुदा लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी दिख रही हैं जो कि इतना डिटेल्स में बता रही हूँ और चीजें दिख रही हैं, तो है ना। तो यहाँ पर मेरे ख्याल में जिस तरीके से एनर्जी थी ना, नाइट में आप कम ही सोते हो, कुछ ही घंटे सोते हो ऐसा लग रहा है, तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखें अपना, अपनी केयर करें, सेल्फ केयर बहुत जरूरी है क्योंकि इससे हेल्थ इश्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर आप नहीं सोते हैं, नहीं टाइम पर खाते हैं, अपना ध्यान रखते हैं, तो फिर हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं, तो ये चीज नहीं करनी है। अपना खुद का ध्यान रखना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जब ही हम दूसरों का रख पाएंगे पहले अपना रखेंगे, तो है ना। तो यहाँ पर ये कार्ड आपकी उस एनर्जीज के बारे में बता रहा है जो सेपरेशन में आप बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हो, परेशान हो रहे हो। ठीक है, तो अपनी ऊर्जा को हील करो, है ना, हीलिंग ले सकते हो आप, कांटेक्ट कर सकते हो, खुद को हील खुद भी कर सकते हो अगर आता है तो, नहीं तो आप ले सकते हैं मुझसे हीलिंग ले सकते हैं। पॉलिटिक्स बहुत है, ये पॉलिटिक्स घर में भी है और ऑफिस में भी है, थोड़ा सा ध्यान दें, ये चीज दिख रही है। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा कर रहे हैं और उनकी पॉलिटिक्स की का असर भी पड़ रहा है आपके ऊपर, है ना, तो उनको लेट गो करना है आपको उन पॉलिटिक्स को। ठीक है, और अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ना है आपको, है ना, फ्यूचर के बारे में सोचना है, पास्ट के बारे में सोचना है और प्रेजेंट के बारे में सोचना है, राइट। तो पॉलिटिक्स लेकिन बहुत हो रही है क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब कहीं ना कहीं आपके हैप्पीनेस से जालस फील करते हैं, आपकी तरक्की से जलते हैं, आपके रिलेशनशिप से जलते हैं, उनको जालस सी फील होती है, ये चीज मुझे यहां पर दिखाई दे रही है। ठीक है, जालस सी फील हो रही है किसी, कुछ पॉलिटिक्स यहां पर, कुछ लोगों की पॉलिटिक्स है आप लोगों के बीच में, तो वो चीज यहां दिखाई दे रही है। सो राशियां है यहां पर मकर, कुंभ, कन्या, धनु, लिब्रा, सिंह राशि, सैजिटेरियस ऑल्सो, कुंभ और मकर भी बताई है मैंने, वृश्चिक राशि, तो काफी सारी राशियां मैंने बताई है, बट कुछ राशियां नहीं दिखाई दे रही हैं इसलिए मैंने नहीं बताई है, लेकिन अगर आपके साथ ऊर्जा मैच कर रही है तो आप उससे देख सकते हो कनेक्ट, कितना कनेक्ट फील कर रहे हो आज की एनर्जी को, ये चीज मुझे जरूर बताइएगा। और यहाँ पर ये सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा डिटेल में जानना चाहते हो, एक एक कार्ड पर स्टडी चाहते हो, फिर आप मुझे कॉन्टेक्ट करो, वही ठीक है। और अपना ध्यान रखिए, खुश रहे, पॉजिटिव रहे, लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, दिख रही है मुझे, थोड़ा सा उस चीज को वो करें, लेकिन आपके पर्सन और आपके दोनों के बीच में इस वक्त सेपरेशन है। ठीक है, लेकिन सेपरेशन है, ठीक है, लेकिन अगर आप डिवाइनली हैं, अगेन बोलूंगी, तो आपका ये सेपरेशन बहुत जल्द खत्म होने वाला है और आप एक दूसरे के साथ आ जाएंगे। तो ध्यान रखे आपकी जर्नी कौन सी है, कितनी जर्नी है, किस रिश्ते की, कार्मिक है, डिवाइनली है, इस चीज का पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है जिस रिलेशनशिप में हो। सो अपना ध्यान रखिए गाइज, टेक केयर, बाय बाय।